1953 में राजस्थान में साझा खेती करने के लिए कृषि में काम करने वाले मजदूरों ने इकट्ठा होकर एक सोसाइटी बनाई और ये सोसाइटी की 1970 में गुजरात की आज की सम्माननीय राज्यपाल महोदया कमला बेनीवाल जी उसकी सदस्य बनी कृषि मजदूर के नाते। बाद में ये जो ज़मीन है ये 386 बीघा ज़मीन है, ये जयपुर शहर को लगकर है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ ज़मीन एक्वायर्ड की और कृषि मजदूर के नाते इस सोसाइटी के सदस्य के रूप में कुछ ज़मीन मेंबर्स को भी अलॉट हुई, जिसमें कमला जी का भी नाम है। जयपुर के एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, जिनको क्वासी जुडिशियल पावर है, उन्होंने इसकी इंक्वायरी करके एक निर्णय दिया है कि इस पूरे प्रकरण में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का उपयोग किया गया है और कमला बेनीवाल जी के बारे में लिखा है कि 58 साल में उन्होंने 41,000 दिन कृषि मजदूर करके काम किया है। ऐसा जो लिखा गया है ये पूरी तरह से अप्रस्तुत है, इस पर कोई विश्वास नहीं रख सकता। उन्होंने इसके बारे में ये कहा है कि ये निर्णय इल्लीगल है और इसके ऊपर ये ज़मीन राजस्थान सरकार ने वापस लेनी चाहिए और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उनका रिपोर्ट उन्होंने ट्रिब्यूनल के पास भेजा है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई कार्रवाई राजस्थान सरकार को अगर करनी है, कोई क्रिमिनल केस अगर रजिस्टर करनी है, तो कमला बेनीवाल जी आज गुजरात की राज्यपाल होने के नाते उनके ऊपर किसी प्रकार की केस रजिस्टर नहीं हो सकती। जो कानूनी तथ्य थे, जो पुरावे थे, एविडेंसेस थे, वो हमने राष्ट्रपति महोदय के पास दिए हैं और हमने ये कहा है कि इससे सिद्ध होता है कि कमला बेनीवाल जी ने वहाँ उपमुख्यमंत्री थी तब और उसके बाद में जो झूठा एफिडेविट किया है सोसाइटी के सदस्य के रूप में, जो बातें कही है, जिसके बारे में एडिशनल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने जो निर्णय दिया है, जो क्वासी जुडिशियल उनकी पावर है उसके आधार पर वो निर्णय को देखते हुए उनके ऊपर जो स्ट्रिक्चर्स पास किया, ऐसे स्थिति में उन्होंने गुजरात के गवर्नर पद पर रहना उचित नहीं है। लोकतंत्र और संविधान का सम्मान बढ़ाने वाली ये बात नहीं है और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होने के दृष्टि से जो राजस्थान सरकार के ऊपर जो निर्णय आया है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार का, वो देखते हुए उन्होंने इस पद को छोड़ना चाहिए। ऐसा संविधान और लोकतंत्र के प्रतिष्ठा के लिए हमारा सबका आग्रह है। आप उनको सुझाइए कि वो अपना पद छोड़े और अगर वो नहीं छोड़ती है तो लोकतंत्र का गरिमा और संविधान का सम्मान रखने के लिए आप इस पद से उनको दूर करिए। ऐसी मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलकर की है। ये जो उनके खिलाफ 2 मई को जो आदेश दिया हुआ है अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने, जो क्वासी जुडिशियल पावर है, उसकी कॉपी हमारे साथ है। आपको इसके डॉक्यूमेंट सबको हम देने के करेंगे। राष्ट्रपति जी ने पूरा पढ़कर पूरा पढ़ा है और हमारी बात उन्होंने बहुत शांति से सुनी है और ने कहा कि मैं देखती हूँ क्या है। एडिशनल रजिस्ट्रार जो राजस्थान सरकार के, जिनकी क्वासी जुडिशियल पावर है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि 41,000 दिन राज्यपाल महोदया जो आज है वो कृषि मजदूर करके काम किया है उन्होंने, खेती में, सामूहिक खेती में, सहकारी खेती में, ये कैसा संभव है। सब झूठी बातें रिकॉर्ड पर आई है। ये ज़मीन की आज की व्यावसायिक कीमत 1,000 करोड़ रुपए है। रजिस्ट्रार महोदय ने इसकी कीमत 600 करोड़ बताई है और इस ज़मीन को कृषि मजदूर के नाते लेना, ज़मीन करने के लिए सामूहिक खेती के रूप में और डेवलपमेंट होने के बाद उसके प्लॉट मेंबर के रूप में लेना, ये पूरी बातें, पूरे तथ्य इस ऑर्डर से लीगली सिद्ध हुए हैं। हम इसकी कोई राजनीति नहीं करना चाहते। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें है तो इसकी इंक्वायरी करें और मेरी राजस्थान सरकार से आह्वान है कि अगर हमारे कहने में आपके सरकार में ही आपके ही एडिशनल रजिस्ट्रार के रिपोर्ट आपको सच नहीं लगते तो आप तुरंत इसकी इंक्वायरी करिए रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट जज के द्वारा, और 3 महीने में उसका रिपोर्ट लीजिए। वैसे इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि द फैक्ट्स और एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड है और उसको लगता है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये लोकतंत्र और संविधान का सम्मान रखने के दृष्टि से इसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय ने कार्रवाई करना देश के लिए उचित होगा, ये हमारा कहना है। 31 तारीख को जो पेट्रोल की प्राइजेस 18-19 बार बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की प्राइजेस, इसका कारण ही यही है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ UPA, ये उसका प्रमुख कारण है। आज डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत लगातार नीचे जा रही है। फिर से एक बार सोना भी, हमारा गोल्ड,
विदेशों में गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। और मुझे लगता है ऐसे स्थिति में हमने भारत बंद का जो आह्वान किया वो सभी राजनीतिक पार्टी को किया है। मैं यूपीए में होने के बाद में भी यूपीए के जो घटक दल है जो पेट्रोल और डीजल के राइस के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं उनको भी मैं आह्वान करूंगा कि वो 31 मई के भारत बंद में शरीक हो जाए और इसको सपोर्ट करें।